नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर अजय जैन, आई एम ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे बच्चों की एक बीमारी एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है बच्चों में। यह एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे सीजर्स, कन्वल्शंस, मिर्की की बीमारी, झटके आना, तान आना, खिंचाव होना आदि आदि। बच्चे के दिमाग में अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से यह प्रॉब्लम होती है। इसमें बच्चे को अचानक से झटके आने लगते हैं, वह जमीन पर गिर जाता है, दांत बिछ जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं और आंखें ऊपर की ओर स्थिर हो जाती है। वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। इस तरह के अटैक्स या दौरे मरीज को बार बार आ सकते हैं। खास बात यह है कि ये दौरे कभी भी आ सकते हैं, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं। सुबह, शाम को, रात को सोते समय कभी भी आ सकते हैं। इसके साथ ये दौरे कहीं पर भी आ सकते हैं, चाहे मरीज कहीं पर भी हो, घर पर, स्कूल में, बाहर या किसी भी अवस्था में हो। दौरे के समय मरीज अचानक होश खो बैठता है और गिर जाता है, जिससे उसे आसपास के एटमॉस्फेयर से चोट होने का खतरा हर समय बना रहता है। एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ट्रीटमेंट का आइडियल टारगेट है सीजर फ्री, एक्टिव एंड सेफ लाइफ, एंड स्टे काम एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसीज। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बीमारी में टारगेट अचीव करने के लिए क्या क्या सावधानी रखते हैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। मुख्यतः इन तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, कीप स्ट्रिक्ट ड्रग एडहेरेंस। सेकंड, सेफ्टी प्लान्स टू मेक योर होम एंड एटमॉस्फेयर सीजर फ्रेंडली। एंड थर्ड, अवॉइड मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, स्ट्रिक्ट ड्रग अडियरेंस। एपिलेप्सी के अंदर जो दवाएं हैं वो लंबे समय तक दी जाती है। इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए इन दवाओं के इस्तेमाल में अत्यंत सावधानी जरूरी है। आपके डॉक्टर ने आपको जो भी दवाएं लिखी है उन्हें अच्छी तरह से समझ ले, उन्हें कैसे लेनी है, कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, जो भी वो अच्छी तरह से समझ ले। कुछ बातें जो ध्यान देने योग्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट, एक्यूरेट डोज। एपिलेप्सी की दवाएं अगर थोड़ी भी कम दी जाए तो सीजर प्रेसिपिटेट हो सकता है, और अगर थोड़ी ज़्यादा दे दी जाए तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ सकते हैं। इसलिए दवा की डोज एकदम एक्यूरेट होनी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से बच्चों में जो दवाएँ हैं वो सिर्फ फॉर्मुलेशन में प्रिस्क्राइब की जाती है, और उसकी डोज इस तरह से होती है, जैसे 2.5 ml, 5 ml, 3 ml, 4 ml। यह डोज हमेशा सिरिंज के द्वारा ही नाप कर दी जानी चाहिए, कभी भी चम्मच या चम्मच से नाप कर नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान रखनी है, एक्यूरेट टाइमिंग। जहाँ तक हो सके दवा हमेशा निश्चित समय पर ही देवे। ज़्यादा से ज़्यादा एक से आधे घंटा इधर उधर हो सकता है। कुछ दवाएं दिन में जैसे एक बार दी जाती है, कुछ दवाएं दिन में दो दो बार तक या तीन तीन बार तक दी जाती है, और बच्चे के रूटीन के अकॉर्डिंगली टाइम फिक्स कर ले और हमेशा दवा उसी समय पर देने की आदत डालें। थर्ड पॉइंट, नेवर मिस ए डोज। यह बात खास तौर से ध्यान रखें, दवा की एक सिंगल डोज भी मिस नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बच्चे को सीजर का अटैक आ सकता है। दवा लेना नहीं भूले, इसके लिए कई तरह के आप तरीके अपना सकते हैं। आप कैलेंडर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, आप एक चार्ट बना सकते हैं, आप मोबाइल ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है एंड्रॉयड और iOS पर, और वो आपको समय समय पर रिमाइंडर देते रहेंगे, तो जिससे आपकी डोज मिस होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। और इसी तरह के किसी एक एंड्रॉयड के ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर आप किसी कारणवश कोई डोज मिस कर देते हैं तो आप कुछ घंटों तक जब भी फिजिबल हो उसको रिपीट कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अगर अगली डोज का समय हो गया है तो फिर मिस डोज नहीं देवे, क्योंकि इससे डबल डोज हो जाती है और जो साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, तो ये आप खास तौर से ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट, नेवर अब्रप्टली स्टॉप ड्रग। एपिलेप्सी की दवाएं एक बार शुरू होने के बाद कई सालों तक चलती है, लगातार चलती है, और पूरा कंट्रोल होने के बाद, कुछ टेस्ट कराने के बाद ही आपके डॉक्टर इसे बंद करने की सलाह देते हैं। इन्हें बंद भी अचानक नहीं किया जा सकता, डोज की मात्रा को धीरे धीरे कम किया जाता है और उसके बाद ही इन्हें बंद किया जाता है।
इसलिए ध्यान रखें कि इन दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के भूल कर भी आप एकाएक बंद ना करें। फिफ्थ पॉइंट, ऑलवेज कीप प्लेंटी ऑफ स्टॉक। एपिलेप्सी की दवाओं का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हमेशा अपने पास रखें। घर पर कुछ डोज आप हमेशा एक्स्ट्रा रखें और ख़त्म होने से 5 से 10 दिन पहले ही फिर से खरीद लें, ताकि किसी भी स्थिति में दवा की जो डोज है वो आपकी मिस ना हो सके। सिक्स्थ पॉइंट, डोज एडजस्टमेंट। बच्चों में उम्र के साथ वजन बढ़ता है, इसलिए दवा की अधिक डोज की ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चों को डॉक्टर से रेगुलर आप चेकअप करवाते रहें, ताकि वो बच्चे के वज़न के अकॉर्डिंगली इसका डोज एडजस्ट कर सके और उसको फिर चेंज कर सके। सेवन्थ पॉइंट, ड्रग इंटरेक्शंस। अगर बच्चे को कोई दूसरी प्रॉब्लम, कुछ दूसरी बीमारी हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो ये ध्यान रखिए कि डॉक्टर के पास जाने पर, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने पर आप बच्चे की आपकी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर मेंशन करें, उन्हें पूरी बात बताएं, उन्हें कौन कौन सी दवाएं बच्चे को चल रही है ये बात बताएं, क्योंकि कुछ एक प्रकार की जो दवाएँ हैं एपिलेप्सी की दवाओं के साथ अगर उनको दिया जाए तो इन दवाओं में आपस में इंटरेक्शन होता है और इसकी वजह से एपिलेप्सी की दवाओं का असर कम या ज़्यादा हो सकता है और उसकी वजह से सीजर्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं या आपके साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली दवाएं प्रिस्क्राइब करता है जो कि इंटरेक्शन नहीं करती, तो ये बहुत ज़रूरी है। एट्थ पॉइंट, दवाओं के मामले में एक जो बहुत ही खास बात ध्यान रखने की है कि इन दवाओं को पेरेंट्स हमेशा अपने सुपरविज़न में ही बच्चों को देवे। बच्चों को स्वयं को ये दवाई नहीं लेने दें, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कैसे लेनी है, कैसे किस मात्रा में डोज लेनी है, और बच्चे भूल भी जाते हैं, आपको झूठ भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ इन दवाओं का बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि ये दवाएँ अगर अननेसेसरी कहीं अनजाने में ज़्यादा ले ली तो बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं अगले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी ध्यान रखनी होती है, सेफ्टी प्लान्स की। एपिलेप्सी पेशेंट्स को सीजर्स की अवस्था में जब ये इस तरह के अटैक होते हैं, सेकेंडरी इंजरी ना हो, क्योंकि इधर उधर गिर बच्चा जब भी इस तरह की कोई इंसिडेंट होता है तो बच्चा इधर उधर गिर सकता है, उसकी वजह से बच्चे को एक्सीडेंट हो सकता है, तो यह ज़रूरी है कि बच्चे के आसपास का और उसका घर का और एटमॉस्फियर इतना सेफ रखे उसको, ताकि गिरने की स्थिति में उसको सेकेंडरी इंजरी नहीं हो। तो आपको बताते हैं क्या क्या उपाय जिससे कि आप बच्चे अपना आसपास का जो माहौल है किस तरह से सीजर फ्रेंडली कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको घर में फर्नीचर जो है वो कम से कम रखिए। फर्नीचर या फिक्स्चर्स के जो मार्जिन्स है या जो बॉर्डर्स है वो बहुत ज़्यादा नुकीले नहीं हों, ताकि वो गिरने की अवस्था में बच्चे को चोट ज़्यादा नहीं पहुँचा पाए। इसके अलावा जैसे कि आप बच्चे को नहाते समय बाथरूम जो है वो अंदर से लॉक नहीं करें, कुंडी नहीं लगाएं अंदर, क्योंकि बाय द वे इस तरह की कंडीशन में अगर सीजर का अटैक आ जाए तो बच्चे को तुरंत हेल्प मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चा खोल भी नहीं पाएगा। बाथरूम के अंदर बाथ टब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें, ये भी एक एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। जहाँ तक हो सके बच्चे को किचन में कुकिंग के समय न जाने दें। कुछ बड़े बच्चे जिनको कुकिंग का शौक होता है या जिनको कुकिंग करनी होती है वो जा सकते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स की सुपरविज़न में ही उनको कुकिंग करवाएं उनसे। इसके अलावा बच्चे को हीट, फायर और बिजली के उपकरणों आदि इन सब से दूर रखें, क्योंकि इनसे खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है सीजर की कंडीशन में। घर पर फर्श के ऊपर आप मैट या दरी का प्रयोग करें, ताकि गिरने की स्थिति में उसके सिर पर चोट नहीं लगे। बच्चे के स्कूल प्रशासन को भी बच्चे की इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी देवे, उन्हें कुछ भी नहीं छुपाए, उन्हें ये पूरी बात बताए कि उन्हें अगर सीजर अटैक आ जाता है बच्चे को इस स्थिति में उसे कैसे मैनेज किया जाता है, उन्हें पूरी बात बताए। आउटडोर गेम्स, जी हाँ, बच्चे आउटडोर गेम्स, एपिलेप्सी के बच्चे भी आउटडोर गेम्स में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये सारे के सारे सुपरवाइज्ड हो, सुपरविज़न में बच्चे खेलें। एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर एपिलेप्सी के बच्चों को खेलने की, एपिलेप्सी के पेशेंट्स को खेलने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वो इसके लिए अकस्टम्ड नहीं होते, इसलिए आप जो इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनको बिल्कुल नहीं खेलने दें। स्विमिंग, बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं, एपिलेप्सी के बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं। खास तौर से जो बात ध्यान रखने की है कि वो हमेशा सुपरविज़न के अंदर ही करें, हमेशा आपके उसके पास एक ट्रेंड कोच रहे जो हर समय उसका ध्यान रखे, उस कंडीशन में बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को ऐसी ऊँची जगह जाने से रोके जहाँ से गिरने का डर रहता है,
जैसे छत की दीवार के निकट बिल्कुल भी नहीं जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को सीजर आ जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, अवॉइड मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। बच्चे को मानसिक और फिजिकल स्ट्रेस की स्थिति में भी मिर्गी का दौरा आ सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि बच्चे को कम से कम मेंटल एवं फिजिकल स्ट्रेस हो। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे रोज़ाना पर्याप्त 7 से 8 घंटे की नींद ले, नींद बिल्कुल भी कम नहीं हो और किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं हो बच्चे के ऊपर। बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जर्शन भी नहीं करें, फिजिकल एग्जर्शन। खेलते समय उन्हें आप एडवाइस करें कि बीच बीच में आपको रेस्ट करना है। लगातार टेलीविज़न और मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इससे आँखों पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है और जिसकी वजह से सीजर्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। अच्छा न्यूट्रिशन लें, हरी सब्जियाँ फलों का भरपूर मात्रा में सेवन करें और हाँ, डाइटिंग बिल्कुल भी ना करें। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि एपिलेप्सी के जो बच्चे, इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनमें एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, आप उनके पास हमेशा एक मेडिकल आईडी ब्रेसलेट जिसे कहते हैं वो रखें, उसको पहना के रखें, जिसमें उसका नाम, उसका नंबर, घर वालों का नंबर और बीमारी से संबंधित सारी ज़रूरी जानकारी लिखी हुई हो, ताकि आपकी अनुपस्थिति में किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में सिर्फ इस आईडी को देखकर बच्चे की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं और उसकी वजह से बच्चे को उचित मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकता है। इन सब प्रिकॉशंस के बावजूद भी अगर बच्चे को फिट्स या सीजर का अटैक आ जाए तो घबराए नहीं, बिल्कुल भी कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। संयम से और हिम्मत से काम ले। हम आपको बताते हैं कि मिर्गी का दौरा आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसे आप स्वयं भी सीखें और औरों को भी सिखाएं, ताकि ऐसी किसी भी स्थिति में वे भी भयभीत ना हों और उसको उचित ट्रीटमेंट दे सकें। सबसे पहले मरीज ने अगर टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उनको तुरंत ढीला कर देवें। बिल्कुल भी डरे नहीं, ना ही घबराएं, शांति और संयम रखें, ना शोर शराबा वगैरह बिल्कुल नहीं करें। मरीज को आप एक करवट लेटा दें ताकि थूक या अन्य पदार्थ गले में जाकर अटके नहीं और उसको एस्पिरेट नहीं कर सके। मरीज के आसपास भीड़ बिल्कुल भी नहीं करें, हवा आने दें, खुला रखें उसको, खुली हवा आने दें। मरीज के हाथ पैरों की कोई मालिश वगैरह कुछ भी नहीं करनी, उसे कोई चप्पल वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं सूंघानी। उसके शरीर के जो अकड़े हुए अंग हैं उनको जबरन सीधा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। उसके मुंह में कुछ भी ज़बरदस्ती डालने की कोशिश नहीं करें, कोई चम्मच वगैरह इस तरह की कुछ भी चीज़, उसकी वजह से बच्चे के दांत टूट सकते हैं और वो गले में फंसकर जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए उसके बच्चे के मुंह में कुछ भी नहीं डालें, उसको कोई पानी वगैरह या कुछ भी खिलाने की ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें। मरीज के मुंह के अंदर ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं डालें, कुछ भी पानी या कुछ भी खाने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं डालें, यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अधिकतर इस तरह के अटैक के अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं अपने आप और मरीज को धीरे धीरे होश भी आने लगता है। उसके बावजूद भी अगर 10 मिनट बाद भी मरीज का दौरा कंट्रोल नहीं हो और लगातार बच्चा बेहोश रहे तो आप तुरंत मेडिकल हेल्प लें और बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं। और इस तरह से आप इन सब प्रिकॉशंस को फॉलो करें अच्छे से तो आप एपिलेप्सी की इस बीमारी को फाइट कर सकते हैं, अच्छे से इससे जीत सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर से बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।